इंदर कुमार ने एज ए डायरेक्टर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1990 में मूवी दिल से की। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, माधुरी दीक्षित, साईद जाफरी और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 18,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1992 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बेटा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरुणा ईरानी और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 25,85,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1995 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई राजा। इस मूवी के लीड कास्ट में माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, मुकेश खन्ना और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,25,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 20,34,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 29,39,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1997 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई इश्क। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, अजय देवगन, काजोल और जूही चावला शामिल थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 24,93,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 35,89,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1999 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई मन। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, मनीषा कोइराला और शर्मिला टैगोर शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16,65,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 30,23,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2001 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई आशिक। इस मूवी के लीड कास्ट में बॉबी देओल और करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 10,34,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 15,68,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2002 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई रिश्ते। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी शामिल थे। इस मूवी का बजट 8,75,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 10,95,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2004 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई मस्ती। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, रितेश देशमुख, विवेक ओबेराय, आफ्ताब शिवदसानी, लारा दत्ता, अमृता राव और तारा शर्मा शामिल थे। इस मूवी का बजट 12 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 20,28,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 32,25,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2006 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई प्यारे मोहन। इस मूवी के लीड कास्ट में फरदीन खान, विवेक ओबेराय, ईशा देओल, अमृता राव और बोमन ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 13 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 11,80,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 18,24,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2007 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई धमाल। इस मूवी के लीड कास्ट में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय दत्त शामिल थे। इस मूवी का बजट 19 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 32,51,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 50,19,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2011 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई डबल धमाल। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, कंगना रनावत, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और मल्लिका शेरावत शामिल थे। इस मूवी का बजट 29 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 43,88,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 70 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2013 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई ग्रैंड मस्ती। इस मूवी के लीड कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबेराय, आफ्ताब शिवदसानी, सोनाली कुलकर्णी और करिश्मा तन्ना शामिल थे। इस मूवी का बजट 34 करोड़ था।
अपने इंडिया में इस मूवी ने 102 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 130 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 2014 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी है सुपर नानी। इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, शर्मन जोशी, रणधीर कपूर और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 61 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2016 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी है ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इस मूवी के लीड कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदसानी और उर्वशी रोतेला शामिल थे। इस मूवी का बजट 39 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ 59 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20 करोड़ 22 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2019 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई टोटल धमाल। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, अनिल कपूर और रितेश देशमुख शामिल थे। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 154 करोड़ 23 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 228 करोड़ 27 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 2022 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई थैंक गॉड। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 34 करोड़ 89 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 48 करोड़ 92 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही और ये ही एज ए डायरेक्टर इंदर कुमार की आखिरी मूवी है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको इंदर कुमार द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। इंदर कुमार की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।